अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइस, कल का व्लॉग मैं एंड नहीं कर सकी। बताया था आपको कि वो छोटी सिस्टर के साथ ना पौला गई। जब घर आई वापस तो थोड़ा सा बिजी हो गई थी क्योंकि घर में गेस्ट आए हुए थे, सो इस वजह से अपना व्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी। सो आज फिर उसके बाद मैं घर आ गई, वहाँ से जब फ्री वगैरह हुए तो घर आई हूँ। घर आके मैं बहुत थक चुकी थी, उस वक्त भी कोई मतलब मोबाइल हाथ पकड़ने की हिम्मत ही नहीं थी। फातिमा भी बहुत तंग कर रही थी, फिर मैं सो गई। सो अब एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ मैंने कहा चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सो इसलिए अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, नाश्ता वगैरह किया, बच्चों को नाश्ता करवाया। तो अब ये है कि बच्चों को मैं ट्यूशन भेजूँगी और अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि जैसे ही वो आए तो मैंने उनको कहना है कि मुझे लेके जाएं बाय टेलर के पास। तो देखते हैं कि वो लेके जाएंगे कि नहीं। खैर अभी तो वो नहीं आए। देखो बेल हो रही है, नीचे आ गई हैं जी, हमारी हैं वो काम वाली, उन्होंने सफाई करनी है। मैं ढूंढ रही हूँ चाबी कि उनको चाबी दूँ तो वो ऊपर आ जाएंगी। बाकी मुस्तफ़ा भी मेरा बाहर गया हुआ है, देखो कब आता है चीज़ लेने के। मम्मा मैं जाऊँ, मैंने कहा चले जाओ। एक तो यार ये लोग यहाँ पे काइट्स वगैरह उड़ाते हैं तो डोर हमारे घरों के ऊपर, ये लो धूप इतनी प्यारी निकली हुई, सोचा था धूप में बैठूंगी पर धूप में बैठने का टाइम कोई नहीं क्योंकि काम वाली आई हैं, काम करेंगी तो मैं चीज़ें वगैरह उठाऊंगी ताकि चीज़ें समेट लूँ क्योंकि मैंने कोई चीज़ नहीं समेटी अभी तक। बच्चों के साथ लग गई थी उठते साथ और लेट उठी हूँ क्योंकि मात को सुबह स्कूल भेज के मैं सो गई थी। तो अब काम से फारिग होकर मिलते हैं फिर। मोहम्मद उठ जाओ ना, अब आप रेडी हो चुके, उठो चलो। क्या मसला हो गया मुस्तफ़ा? अब चल लो जाओ, ये जो है ना अपनी वो उसमें फेंको, फेंको कह रही उसमें रखो, कपड़े धोने वाली उसमें बास्केट में जिसमें कपड़े रखती हूँ। ये भी सफाई हो रही है, बाजी सफाई कर रही है। मोहम्मद उठ जाओ यार, कोई बात नहीं, इससे ठीक हो जाओगे। उठो उठो बेटे, बहुत देर हो रही है। चलो मुस्तफ़ा ये किधर चढ़ जाते हो, ये लो चलो अपने बैग में रख लो। ये भी यहाँ से उठाओ ना, ये इनको मैले वाले टोकरी में रखो। चलो जाओ बेटा, ठीक हो जाओगे मुस्तफ़ा, चलो जाओ। चाबी उठाइए मोहम्मद, हैं चलो। रख लो बेटे, चलो किसने कहा था सुबह सुबह अब वो गंदी सलांटी खाओ? अभी जाओ ना, आराम आया तो फिर पता करती हूँ मैं ट्यूशन में। सुभान अल्लाह, मैं आपको हर दफा कहती हूँ पढ़ते हुए जाया करो मुस्तफ़ा, आप भी। चलो खैर है, आपने सही कर तो लिए। अल्लाह हाफिज़। हो जाएगा सही, आप चलो तो सही।
उन्हें ट्यूशन ना जाने हो तो इनके पास बहाने पहले ही तैयार होते हैं। खैर अभी मैंने आप लोग पीछे देख रहे होंगे, मैंने अभी कमरे का कुछ भी सेट नहीं किया, बेड भी मेरा वैसे का वैसे ही है। अभी मैं ये भी सही करूं क्योंकि बच्चे चले गए हैं, बाजी बाहर काम कर रही हैं। तो हम देख के हमारी जानू क्या कर रही है। फातिमा बेबी, फातिमा बेबी क्या कर रही है? ये बिस्किट किसका है जी? मामा का है। फातिमा बेबी, फातिमा बेबी की सुबह हो गई है। ओए चटके, ओए मामा की बेटी। हाँ जी, हाँ छाला मुकरी अपनी गंदी कारी, छारी मुकरी अपनी गंदी कारी है। क्या बात है छोने की, छोने बेटी की क्या बातें हो रही हैं। हाँ जी, और ये बिस्किट चॉकोलावा बच्चों से छुप के खाती हूँ, पसंद ही इतना। अभी यार सारा कुछ समेटने वाला है, चलो अब हम अपना सारा कुछ समेटेंगे। मोहम्मद वापस क्यों आए हो? हाँ हाँ जी हाँ? चलो अच्छा ठीक है, चलो बैग अपने इधर अंदर स्टोर में जगह पे रखो। अच्छा जी, हस्बैंड मेरे आगे थे, अब मैं इनसे पूछूंगी कि ये मुझे लेके जाएंगे कि नहीं दर्जी पे। चलो मियाँ बताओ, आप हमें लेके जाओगे? कहाँ पे जाना है? दर्जी पे। कौन सी दर्जी पे जाना है? टेलर पे जी बेटे। ऐसी गेम बताओ बॉय गेम जिसमें बंदे ही ना। टेलर को घर ही बुला। ऐसी कौन सी गेम होती है? टेलर ने टेलर को कहना मेरे पांव पे मेहंदी लगी हुई है। लड़ो नहीं ना, लड़ो नहीं, उसको मना करे लड़े नहीं। ये देखो ये कैसे लड़ते हैं, आपके बच्चे भी ऐसे लड़ते हैं बताइएगा जरूर मुझे। मारते हैं एक दूसरे को। महद आप अभी स्कूल से आए हो, आप यूनिफॉर्म तो चेंज कर लो बेटे। मुझे क्या पता। मियाँ जी बताए, कहा है दर्जी को घर बुला लो, उनको बोलो कि मेरे पाँव पे मेहंदी लगी हुई है तो मैं नहीं आ सकती। दर्जी घर नहीं, नहीं आप बताए, आप लेके जा रहे हैं? जो हुक्म आपका सर आंखों पे है। अच्छा इतने ताबेदार हैं, क्या मसला है महद आपको? यार वो आपकी स्किन ड्राई हुई है ना, यहाँ पे लोशन लगा लो फिर नहीं होगी। ठीक है मोहम्मद, वो बाहर आपकी चप्पल देखो उल्टी पड़ी है, उसको सीधा करो मेरा बेटा। आज आपनी कहानी सुनो। चलो फिर अब आप अपने कपड़े बदलो, नाश्ता करो महद, उसके बाद फिर हम टेलर के पास जाए। हाँ जाना, 3 बजे जाना है इस पारे पे, क्यों नहीं जाना इस पारे से? तो जाएंगे तो फिर हम जाएंगे टेलर पे, ऐसे नहीं जाते हैं ना, क्योंकि उधर रश होता है तो फिर आप गुम जाओगे वहाँ से, इसलिए जितनी देर में अस्पारा पढ़ोगे इतनी देर में हम वापस भी आ जाएंगे। बुरी बात, अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं। माधु जी हमारा बेबी बन जाता है कभी कभी ऐसे छोटा सा, देखो सारे देखेंगे। हाँ, ये अभी इस वक्त हमारा छोटा सा बेबी बन गया ना बेबी। चलो जी बस, इसका जब बेबी बन जाता है फिर ये कहता है मेरे लाड उठाओ, मैं छोटा सा बेबी हूँ। चलो मोहम्मद अब आप लोग पारे पे जाओ, पारा आपने उठा लिया, उसको छोड़ दो आप, जाओ जाओ बेटे मोहम्मद पारे पे जाओ, मेरा बेटा मुस्तफा से भी को, मुस्तफा उतरो बेटे साइकिल से। स्पारे पे किसने नहीं जा रहे हो मोहम्मद? आप जाओ ना, मैं उसको पापा के साथ भेजती हूँ, आप जाओ मेरा बेटा। नहीं बात मान रहे मोहम्मद, मुस्तफा आप जाओ अकेले स्पारे पे, और स्पारे वाली आंटी से कहना कि ये मोहम्मद नहीं आ रहा था, उठो। मुस्तफा बात सुन रहे हो? चलो आपको मैं छोड़ के आती हूँ, चलो अपनी रेडी हुए, वो रेडी हो गया। चलो मुस्तफा चलो, 3:30 बजे आ जाओगे? हाँ 4 बजे आप लोग आ जाओगे। चलो चलो जाओ ना, ले लो चाबी उठाओ। ये मेरे सिर्फ दो रूम, एक ये मेरा और ये इसके साथ ये स्टोर।
अच्छा देख ले क्या कह रहा है। चलो ऊपर कर लो ना बेटे। चले जी अब मैं चलने लगी हूँ टेलर के पास। सो अब आया पहनूंगी पहले, उसके बाद फिर हम निकलेंगे, क्योंकि बच्चे गए हुए थे स्पारे पे तो वो अभी आए हैं। मैंने कहा चलो स्पारा पढ़ के वो आए वरना उनकी छुट्टी हो जाती। तो अब मैं जा रही हूँ टेलर के पास। बोलो मैं ठीक हूँ। चलो जी अब हम जा रहे हैं टेलर के पास। तो आप बोलो मोहम्मद। टेलर के पास मैं पहुंच चुकी थी। ये छोटी सी दुकान है हमारे दर्जी की, जहाँ से मैं कपड़े सिलवाती हूँ। ये है मेरा सूट जो मैंने देना था टेलर को, ब्लू कलर का, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, 2 साल हो गए थे इस सूट को रखे रखे रखे। तो अब फाइनली इसको मैं सिलवाने लगी हूँ। सो मैं टेलर से आ गई थी। टेलर से आने के बाद मैंने सोचा क्यों ना फटाफट खाना बना लिया जाए। तो अब मैंने दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या बना रही हूँ। आलू मैंने यहाँ कट करके रख दिए हुए हैं और ये इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। ये आधी चीज़ें मैं पहले ही रेडी कर चुकी थी। तो ये टमाटरों की ग्रेवी मैंने बनाई है, और इसमें मैंने डाले हैं ये साबुत लाल मिर्च और नमक मिर्च और दड़ा मिर्च। बस ये टमाटरों वाली मैं कड़ी बना रही हूँ साल। तो अभी ये थोड़ा सी इसकी भुनाई रहती है, वो करूँगी। उसके बाद मैं ये जो मैंने आलू काटे हैं ये मैं इसके अंदर डालूँगी। जल्दी जल्दी में मैं आप लोगों को खाने की फाइनल लुक दिखाना ही भूल जाती हूँ। खाना अब हमारा रेडी है और अब हम खाएंगे खाना। चलें जी खाना खा के हम लोग हो गए थे फ्री। और अब जो है हमारा महा जो है वो सो चुका, हमारा मधु ये सो चुका है, और जे मेरी प्रिंसेस है जी भी सो रही है। और अभी बाकी इन दोनों ने सोना है, मुस्तफ़ा और मोहम्मद, ये दोनों अभी सोएंगे। ये अभी देखें बाहर क्या कर रहे हैं, किधर अब माओ के साथ खेल रहे हैं आप लोग हैं? खेल माओ बॉल के साथ खेल रही है। माओ आइए मोहम्मद, माओ किधर, माओ माओ को चेक करो। सारे हसरन जिधर जिधर आप हाथ घुमाते हैं वहां वहां आते। माओ यार माओ की आंखें लाइटें मार रही है मियाँ। माओ माओ ये क्या कर रही हो मेरे ऊपर, किधर लेके आ रहे? ये भी हमारे घर का एक हिस्सा है, माओ हमारी। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि महत को मैं पहले सुला चुकी हूँ और जिमल फातिमा भी साथ मेरी सो गई थी। तो बाकी मोहम्मद और मुस्तफ़ा भी अब सो चुके हैं। तो अब सोने लगी मैं भी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। तो आई होप सो कि आप लोग को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो अपना भी ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।